शो की शुरुआत हुई थी तो मुझे ये सवाल पूछा गया था कि कैसा लग रहा है आपको लक्ष्मण का किरदार करते हुए, तो मैंने हमेशा यही कहा था कि अगर रामायण कभी भी बनी जाए तो उसमें हमेशा मैं लक्ष्मण का किरदार ही निभाना चाहूँगा, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ माई ड्रीम कैरेक्टर व्हेन इट कम्स टू रामायण। और कहीं ना कहीं पता था मुझे कि जब महाभारत बनाया स्टार प्लस ने तो रामायण के बारे में भी सोचेंगे, तो ऐसा ही हो गया। सो मैंने कहीं ना कहीं मेरा सपना सच हो गया, वो पूरा हो गया। एट द सेम टाइम मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि इसको मैंने दर्शकों को बहुत पसंद भी आया, तो दिस इज समथिंग आई विल रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सुबह सुबह रोज़ जल्दी उठना और 6 बजे उठना, सेट पे भागना, वहाँ पे जाके जो भागा दौड़ी होती है वहाँ पे एकदम यू नो जल्दबाजी में जो तैयारी होती है, हैवी कॉस्ट्यूम पहनना, मस्ती करना सब हमारे यूनिट लोगों के साथ, कोस्टार्स के साथ, ये सारी चीज़ें हमें मिस हो गई। ऑफकोर्स एज अ टीम हमने काम किया तो पूरी टीम को मिस करूँगा। सीख तो काफ़ी मिली है इस शो से, लेकिन अगर आप मुझे स्पेसिफिकली कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि जो लॉयल्टी लक्ष्मण ने दिखाई है राम के प्रति, तो वो एक जो चीज़ जो होती है जो रिश्तेदारों में होनी चाहिए, ये एक चीज़ जो अच्छी बात है वो मैं लेके जाऊँगा डेफिनेटली, यस। और आखिर में सिया के राम ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई हम सभी लोगों को, दर्शकों को, कि कभी स्त्री को जो है वो कभी अंधविश्वास उनके लिए कभी शक नहीं करना चाहिए किसी पे भी, यू नो। तो वो एक चीज़ है जिसने एक अच्छी सीख दी है सिया के राम में, तो ये चीज़ मैं अपने साथ कैरी करूँगा। ऑडियंस यही कहना चाहूँगा कि आपने जो भी कुछ हमें अचीव किया है वो सब आपकी वजह से किया है, हमने पूरी कोशिश की आपको सिया के राम को बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश किया जाए और आपको पसंद आया, तो थैंक यू सो मच फॉर इट। एंड आपने हमेशा बहुत सारा प्यार दिया हमें।